शासन की लापरवाही और कांग्रेसियों की असहनशीलता का शिकार हुए जनमानस, घंटों तक जाम में फंसा रहा एम्बुलेंस वाहन। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर रीवा के तेउथर से है, जहां मध्य प्रदेश के हर विधानसभा के भती तेउथर में भी पहुंची थी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा और गुलाला मैदान में आयोजित की गई थी यात्रा की नुक्कड़ सभा। यात्रा में नहीं रहा कोई कांग्रेसियों का अनुशासन। पचामा सुहागी मुख्य मार्ग के बीच में ही गाड़ी खड़ा कर करके भाग गए थे कांग्रेसी। घंटों तक फंसी रही भारी जाम में एम्बुलेंस मौके पर नहीं दिखी कोई प्रशासन की व्यवस्थाएं। मूक दर्शन बने पुलिस प्रशासन को भी देखते रहे कांग्रेसियों की हरकत। भारी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से जाम को मिली लोगों को राहत, तो वही स्थानीय लोगों को देख हरकत में आया प्रशासन। जहां एक तरफ एम्बुलेंस वाहन को हर जगह जल्दी पास दिया जाता है, वही तेउथर में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में प्रशासन की अव्यवस्था के कारण घंटों तक जाम का शिकार हुई थी एम्बुलेंस वाहन। स्थानीय लोगों ने कई बार मंच से गाड़ी वाहनों को आगाह भी कराया, फिर भी नहीं दिखी कांग्रेसियों में रहनुमा दिल। सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रशासन ऐसे में आयोजन के लिए व्यवस्था नहीं बनी रहती कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुई, या फिर प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि घंटों तक जाम में स्थिति बनी रही। ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। देखने के लिए दिलचस्प होगा कि जिन गाड़ियों के कारण जाम की स्थिति बनी हुई थी उन पर क्या चालानी कार्रवाई होगी, या फिर उन्हें ऐसे ही प्रोत्साहन मिलता रहेगा।